नमस्कार दोस्तों, मैं विकास परसवाल स्वागत करता हूं आपका स्पोर्ट्स कंसर्ट यूट्यूब चैनल पर। तीन हमें सेमीफाइनल की टीमें मिल चुकी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। और एक सेमीफाइनल मुकाबला भी कंफर्म हो चुका है कि साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। वो 15 नवंबर को रहेगा या 16 नवंबर को रहेगा, वो अब इंडिया किससे सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी उस पर डिपेंड है। इंडिया का किससे सामना होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान भी जा सकती है, न्यूजीलैंड भी जा सकती है, अभी भी अफगानिस्तान के पास भी मौका है कि वो भी जा सकती है। तो मुकाबले दिलचस्प होने वाले हैं। पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का सेमीफाइनल देखने के बारे में जो लोग सोच रहे थे कुदरत का निजाम होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट चांसेस है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला शायद ही हमें देखने को मिले। इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता था, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान टीम को जो हार मिली है ना, ग्लेन मैक्सवेल ने जो जबाड़े से हार निकाली, और ग्लेन मैक्सवेल के लिए एक लाइन, एक मुहावरा जो उन्होंने गलत साबित कर दिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता। ग्लेन मैक्सवेल ने बोल दिया कि अकेला चना भाड़ फूट भी सकता है और जीता के भी ला सकता है। ग्लेन मैक्सवेल के लिए ये लाइन पूरी तरीके से सूटेबल होती है। और आप भी ग्लेन मैक्सवेल के लिए एक वर्ड जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करे हुए। सेमीफाइनल का जो पूरा समीकरण है ना, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इंडिया का सामना किससे होगा। क्या न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जा रही है, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रही है, क्या अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल में जा सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी है और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाली है, ये चीज भी कंफर्म हो चुकी है। अब इंडियन टीम को तो लगभग 11 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी टीम से उसका सामना होगा। क्या वो न्यूजीलैंड से, क्या वो पाकिस्तान से होगा, क्या वो अफगानिस्तान को से होगा। तो इंडिया को अभी इंतजार करना पड़ेगा और 12 नवंबर को इंडियन टीम अपना लास्ट मुकाबला खेलेगी। उस दिन तक पता चल जाएगा इंडिया को यार किससे सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है, किससे सेमीफाइनल मुकाबला नहीं खेलना। तो इंडिया एक पॉइंट टेबल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। या पॉइंट टेबल देख सकते हो तो इंडिया के पास 16 पॉइंट्स है, मतलब इंडिया टेबल टॉपर फिनिश करने वाले। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, इसके लिए वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के अंदर। अब बची है तीन टीमें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बाकी जो नीचे की टीमें उनका कोई मतलब नहीं, वो चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए खेलेगी। जैसे नीदरलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, ये चारों टीमें सेमीफाइनल के अंदर नहीं जा सकती है। तो मात्र तीन टीमों की रेस है, त्रिकोणीय ये रेस चलने वाले। न्यूजीलैंड ने भी 8 मुकाबले खेले, पाकिस्तान ने भी 8 मुकाबले खेले, अफगानिस्तान ने भी 8 मुकाबले खेले। न्यूजीलैंड को अपना लास्ट मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ 9 नवंबर को खेलना है, पाकिस्तान को अपना लास्ट मुकाबला 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, वही अफगानिस्तान को अपना लास्ट मुकाबला 10 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। अफगानिस्तान के पास मौका था सेमीफाइनल में जाने का। अब तीनों जो है टीमें, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, इन तीनों के पास आप देख सकते हो 8-8 मैचेज हो चुके हैं, 4-4 मुकाबले सभी टीमों ने जीते, सबके पास 8-8 पॉइंट्स है। अब अफगानिस्तान टीम की बात करें, अफगानिस्तान अगर मौका था ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा देते तो 10 पॉइंट पर पहुंच जाती, फिर साउथ अफ्रीका को हराना होता 12 पॉइंट्स के साथ। अफगानिस्तान टीम एक ऐसी टीम नजर आती है, वो सबसे बैलेंस टीम नजर आती है, वो पाकिस्तान को भी बाहर कर सकती थी, न्यूजीलैंड को भी बाहर कर सकती थी, वर्ल्ड कप 2023 में हिस्ट्री क्रिएट कर सकती थी सेमीफाइनल में जाके। पर वो कुदरत का निजाम की बात कर लीजिए, किस्मत की बात कर लीजिए, किस्मत की लकीरें बदलना इतना आसान नहीं होता है। ग्लेन मैक्सवेल की ये पारी देखना, सब लोगों को ऐसा लग रहा था। तो अफगानिस्तान टीम का एक मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचा हुआ है। तो अफगानिस्तान के लिए समीकरण क्लियर है, अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स पे, साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला तो इन्हें जीतना ही जीतना है। प्लस इनकी नेट रेट, थोड़ा सा आप नेट रेट पे फोकस करिए, अफगानिस्तान की जो नेट रेट है माइनस में 0.338, मतलब बहुत ज्यादा माइनस में नेट रेट है। वही पाकिस्तान की नेट रेट की बात करें तो प्लस में 0.036 है, वही न्यूजीलैंड की नेट रेट की बात करें तो प्लस 0.398 है, ऑलमोस्ट 0.4 के करीब नेट रेट है। तो अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल उनकी नेट रेट का ही बच जाएगा, उन्हें लास्ट मुकाबला जीतना है पहले तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो लास्ट जीते फिर दुआ करेगी न्यूजीलैंड भी अपना मुकाबला हारे, और हारे तो भी बड़े अंतर से हारे, देखो बड़े अंतर से हारेगी ना तो ही अफगानिस्तान के जाने के चांसेस है। अगर ये तीनों टीमें अपने मुकाबले हार जाती है ना, और न्यूजीलैंड अपना मुकाबला बड़े अंतर से नहीं हारती है, तो न्यूजीलैंड ही जाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की नेट रन रेट भी बेहतर नहीं है, अफगानिस्तान की नेट रन रेट भी बेहतर नहीं है। अगर न्यूजीलैंड भी हारेगी, पाकिस्तान भी हारेगी और अफगानिस्तान भी हारेगी, तो नेट रन रेट तो सबकी गिरेगी, पर वो अंतर देखा जाएगा ना कितना बड़ा अंतर यहाँ पे होने वाला है। तो अफगानिस्तान के मुझे बहुत ब्लिंक चांसेस लग रहा है कि यहाँ से सेमीफाइनल में चली जाएगी। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को बहुत बड़े अंतर से हरा देगी और नेट रन रेट को इतना पॉजिटिव कर लेगी कि इनसे ऊपर चली जाएगी, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चांसेस था। इनके पास एक मौका था ऑस्ट्रेलिया को अगर 172 रन से नीचे आउट करते ना ये, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट से बेहतर अफगानिस्तान अपनी नेट रन रेट को कर सकता था, जो ये मौका इन्होंने गवाया। अब दो टीमें पीछे बच गई है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला हर कोई देखना चाहता है, पर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये हो सकता है। देखो अब न्यूजीलैंड को तो अपना मुकाबला जस्ट जीतना है, न्यूजीलैंड अपना मुकाबला जीत जाती है श्रीलंका के खिलाफ जो 9 नवंबर को मुकाबला होने वाला है, तो उनके पास हो जाएंगे 10 पॉइंट्स, उनकी नेट रेट भी अच्छी खासी है। और मुझे लग रहा है श्रीलंका जिस फॉर्म में चल रही है, जितना खराब उनका फॉर्म चल रहा है, न्यूजीलैंड टीम एकतरफा भी हो सकता है मुकाबला जीत के चली जाए, तो न्यूजीलैंड वो मुकाबला जीत जाती है और न्यूजीलैंड के पास हो जाते हैं 10 पॉइंट्स।
अब पाकिस्तान को ये पता रहेगा कि 11 नवंबर को हमें कितने बड़े अंतर से जीतना है। पर आप सोचिए, अगर न्यूजीलैंड 1 रन से भी मुकाबला जीतती है तो पाकिस्तान को 131 रन से मुकाबला जीतना होगा न्यूजीलैंड के नेट रेट से बेहतर करने के लिए। अगर और 27 ओवर में अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो 27 ओवर में टारगेट का पीछा करना होगा। अगर न्यूजीलैंड टीम मुकाबला 50 या 60 रन के करीब से जीतती है तो फिर पाकिस्तान टीम को वो मुकाबला लगभग 180 से 190 रन के अंदर जीतना होगा, 180 से 190 रन के अंतर से। इतना बड़ा अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर टारगेट का पीछा करती है तो 22 या 20 22 ओवर में ही टारगेट का पीछा कर देना होगा। अगर 20 22 ओवर में टारगेट का पीछा कर देती है ना तो पाकिस्तान टीम वहां पे आगे जा पाएगी। हाँ, पाकिस्तान का एक समीकरण जरूर बना है कि न्यूजीलैंड का जो श्रीलंका के खिलाफ 9 नवंबर को बेंगलोर में मुकाबला होने वाला है ना, वहां पे वेदर प्रमोसिंग नहीं है जो मुकाबला 9 नवंबर को बेंगलोर में, क्योंकि पहले भी हमने देखा न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था बारिश की वजह से मुकाबला छोटा होता है, फिर 21 रन से मुकाबला जीत जाती है। और 21 रन से जो डकवर्थ लुईस मेथड से है ना पाकिस्तान टीम जीती ना, उसके बाद में सब लोग बोलने लगे ओ पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रही है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा रही है। उन लोगों को बोल दो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप नहीं जा रहे हो सेमीफाइनल के अंदर। बस ये कि कुदरत का निजाम कई चीजें हकीकत में क्या मालूम साबित हो जाए कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मुकाबले में बारिश आ जाए, और बारिश आती है तो न्यूजीलैंड को एक पॉइंट्स मिलेगा तो वो 9 पॉइंट्स पर ही पहुंच पाएगी। फिर जस्ट पाकिस्तान को अपना मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीतना, चाहे 1 रन से जीते चाहे 1 विकेट से जीते चाहे 50 ओवर की लास्ट गेंद पे जीते, कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा अगर बारिश आती है। तो दुआ यही कर सकती है पाकिस्तान की, या तो न्यूजीलैंड टीम श्रीलंका से आ रही, अगर श्रीलंका टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है तो जस्ट वो मुकाबला जीतना, या बारिश आ जाए, बारिश आएगी तो न्यूजीलैंड के पास 1 पॉइंट मिलेगा, न्यूजीलैंड को तो 9 पॉइंट से रहेंगे, फिर पाकिस्तान टीम को वो मुकाबला जस्ट जीतना ही होगा। तो दो ही कंडीशन ऐसी बन रही है जिसमें पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर सकती है, तो बारिश आने की सिचुएशन में जहाँ पे न्यूजीलैंड के पास मात्र 9 पॉइंट रह जाएंगे और पाकिस्तान टीम अपना मुकाबला जीत जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि श्रीलंका टीम न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर पाकिस्तान टीम अपना ये मुकाबला जीत के चले जाए तो उनके पास 10 पॉइंट से हो जाएंगे और यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास केवल 8 पॉइंट रह जाएंगे। तो ये दो समीकरण ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो सच्चाई यार, आप सोचिए 22 23 ओवर में या 25 26 ओवर में कोई टारगेट का पीछा हो पाएगा क्या? इंग्लैंड टीम आपको लग रहा है 50 60 रन पे फिर एक बार ऑल आउट हो जाएगी, या 100 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, 130 पे ऑल आउट हो जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है। और 180 90 रन के बड़े अंतर से अब इंग्लैंड टीम भी नहीं जीत रही देगी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए भी तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का क्वालिफिकेशन ऑन द रडार लगा हुआ है ना, तो वो भी कोशिश करेगी ना उस मुकाबले को जीतने की। और इतना आसान मुकाबला फिर होने वाला नहीं है, कोलकाता के ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम ही सेमीफाइनल में जाने वाली है और इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का एक सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो लोग पाकिस्तान की होप लेके बैठे हैं, वो 21 रन की जीत मिल गई थी डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से, उस मुकाबला अगर वो पूरा मुकाबला होता ना न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान का मुकाबला होता तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चांसेस बनते हुए नजर आते। और ये जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला है ना 9 नवंबर को खेला जाएगा, दोपहर 2 बजे ये शुरू होने वाला है, तो बारिश की संभावना शाम को 8 9 बजे बाद में है। तो न्यूजीलैंड यही दुआ करेगा कि अगर 20 ओवर का भी मुकाबला हो जाए ना तो वो मुकाबला जीत के चले जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास जो खिलाड़ी चाहे डेविन कॉनवे की बात कर लीजिए, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लीजिए, डेरेल मिशेल की बात कर लीजिए, ये खिलाड़ी सब T20 क्रिकेट खेलने के आदि बहुत ज्यादा है। इनको पता है T20 क्रिकेट में किस तरीके से परफॉर्मेंस करके जाना है। और ये भी हो सकता है न्यूजीलैंड को, 4 नवंबर को न्यूजीलैंड ने अपना लास्ट मुकाबला खेला, अब 9 नवंबर को अपना मुकाबला खेलने वाले, इन बीच में काइली जेमिसन भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो उनको प्लेइंग 11 में इंक्लूड किया जा सकता है। टीम साउथ ट्रेंट बोल्ट के अलावा इनके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं था, लोक्यू फर्ग्यूसन भी पूरी तरीके से तब तक फिट हो जाए तो लोक्यू फर्ग्यूसन को टीम में इंक्लूड किया जा सकता है। तो न्यूजीलैंड की टीम एक बेहतर बैलेंस वाली टीम हो जाएगी। 5 दिन का जो इनको ये गेप मिलेगा ना, इस 5 दिन के गेम में अपनी सारी चीजों को बेहतर करके एक प्रिपेयर्ड प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड टीम उतार लेगी और न्यूजीलैंड जस्ट वो मुकाबला जीतने की कोशिश करेगी। 20 ओवर का भी मुकाबला हो जाए ना, न्यूजीलैंड ये चाहेगी कि यार बारिश आए कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 ओवर का मुकाबला कम से कम देखने को मिले, और 20 ओवर का भी मुकाबला होता है तो न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ टॉप फेवरेट रहने वाली है, न्यूजीलैंड वहां पे जीतने वाली है। पाकिस्तान के फेस आपकी घर की टिकट बुक करा दी है, पाकिस्तान को हम शॉपिंग वोपिंग करा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पाकिस्तान यहाँ पे घूम रही है, वो बोल रहे थे घूमने नहीं दिया जा रहा, तो शॉपिंग वोपिंग थोड़ी हल्की फुल्की करवा देते हैं आपको, उसके बाद में शॉपिंग करवा के भेज देंगे आपको घर पे। और न्यूजीलैंड तो सेमीफाइनल मुकाबले कन्फर्म हो चुका है, 15 नवंबर को एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में, वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहेगा, वो 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। और मुझे लग रहा है कि फाइनल इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में लोडी होने वाला है। न्यूजीलैंड की हार का, न्यूजीलैंड से कि हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार का बदला ले पाएंगे और ऑस्ट्रेलिया से हम 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का बदला ले पाएंगे, हमारे पास दोनों मौके हैं। न्यूजीलैंड से हम सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ सकते हैं, और दोनों टीमों को हरा के हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और 2003 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की हार का बदला भी ले सकते हैं। तो ये था वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल का पूरा क्लियर एक पिक्चर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लेट क्यों हो रहे हो यार, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और ग्लेन मैक्सवेल की उस पारी को जाते जाते मेरा एक सलूट है, आप भी अपने सलूट के रूप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।